नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद समाधान मऊ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी औषधि लेकर के आए हैं जो कि आपके धातु रोग को जड़ से ख़त्म कर देगी। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो कि आपके धातु रोग को जड़ से ख़त्म कर देगी। धातु रोग से जितनी भी समस्याएं आपको आती हैं, धातु रोग एक ऐसा रोग है जिससे कि आदमी एकदम दुबला पतला चिड़चिड़ापन हो जाता है। जो भी कुछ खाता है उसके शरीर को नहीं लगता है, वो धातु के माध्यम से निकल जाता है। उसके कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, सर में दर्द, यूँ कह लें कि इतनी समस्याएं होती हैं कि वो परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपके लिए एक ऐसी औषधि लेकर के आए हैं जो कि आपके आसपास बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस समय होली के बाद उस औषधि में नए कोमल कोमल पत्तियां आने लगती हैं और उन पत्तियों का ही आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम उस औषधि की ओर चलते हैं, आपको परिचय कराते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आपको आसानी से अगली वीडियो प्राप्त हो सके। हाँ दोस्तों, आसानी से प्राप्त हो सके। आइए उस औषधि से आपको हम परिचय कराते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पौधा आप पहचान भी गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये कोमल पत्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने लोगों को तो इसका नाम भी याद आ गया होगा। जी हाँ, ये शीशम का पौधा है। ये शीशम का पौधा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ, इस शीशम के पौधे का आपको प्रयोग करना है। सुबह उठ करके 10 से 15 पत्तियां आपको लेना है और मुंह में चबा चबा के इसको मिक्स करना है। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसे अंदर घोंट लीजिए। ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो 7 दिनों में आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा और आप धातु रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये औषधि प्रयोग की हुई है, इसका रिजल्ट बहुत लोग लिए हैं, इसलिए आज हम इसको आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, इस समय ये पौधे आपके आसपास बगीचों में मिल जाएंगे और इन पत्तियों का प्रयोग करके आप धातु रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है, आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।